तो गाइस ये रही हमारी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो जो कि हमने पूरी मॉडिफिकेशन करवा दी है। क्या तू ना मानना मतलब तू है? अरे यूं चढ़ा दिया करूं मैं गाड़ी अंकल। बिल्कुल भाई साहब, देख रहा टायरों में लाइट, जो मेरा आईडिया था जिमी। देख रहा यार मैं ना सर पार दूंगा, तुम लड़कियों को चैन नहीं है कि मैं इंट्रो दे रहा हूं, तुम बोल कैसे रही है बीच में? जब पता है इंट्रो के बीच में जो बोलते मैं सर पार देता हूं उसको। ओए बी बेबी यो यो की तेरा तल से छोड़ के आऊंगा यार मैं, छोड़ के आ जा कुछ निकल। अरे बैक सीट भी है ऐसे, पर तेरे को ऐसे घूमने में मजा आता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो मैं यहां शीशा लगाऊंगा, जैसे फोर्सलर में नहीं लगते। अच्छा कर ले बेटा कर ले। हां ये हुई ना बात, शाबाश शाबाश। तो गाइस इसी में क्या करने के लिए कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना इंट्रो तो लिया जाए। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करता हूं सब बढ़िया होंगे, मजे कर होंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और अब बात करते हैं मैं इस लड़के को क्या करने की बात कर रहा था। यार मैंने इसे कहा भाई साहब तूने मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं देखी, तो ये कह रहा भाई मैंने तुझे फॉलो नहीं करा, तो इसे फटाफट फॉलो करवा दियो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गाइस, आप कर सकते हो। बुलेट वाली वीडियो देखना, मैंने तबाही मचा दिया है। और सीन कुछ ऐसा है कि दुख वाली खबर तो आपको पता है, और मैं दोबारा रिपीट कर ही देता हूं। चलो हमारी वरना का सीन आपको पूरा का पूरा पता है, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या क्या सीन हुआ था उसका। और जिग्गू अभी तक हॉस्पिटल में ही है क्योंकि भाई साहब उसके घुटने और पेट में पता नहीं क्या दर्द में दर्द हो रही है। यार मैं ना सर पार दूंगा, तुम लड़कियों को चैन नहीं है कि मैं इंट्रो दे रहा हूं, तुम बोल कैसे रही है बीच में? जब पता है इंट्रो के बीच में जो बोलते मैं सर पार देता हूं उसको। तरह तू कूद रहा है, तू मेरी वीडियो देख इंस्टा पे पगले। यार देख रहे हो गाइस अपनी तो ये बदमाशी है सब भगे ना। अरे रे रे रे, अरे डरो मत मुन्ना, वो तो यार ये ज्यादा बोल रही थी इसलिए मैंने मारा, इंट्रो के बीच में बोल रही पागल जी। चलो कोई नहीं, अब सीन कुछ ऐसा है, जिग्गू को डॉक्टर से मतलब डॉक्टर से मेरी बात होगी, जिग्गू अब थोड़े दिन वहीं रहेगा, इतना सीन क्लियर है। रही बात वरना की, उसके बारे में अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस में मुझे भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते उसका सीन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एफआईआर ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने केस ही नहीं करा, क्योंकि जिग्गू था ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस में, बुरी तरह हम फंस चुके हर जगह से। अभी कोई ऑप्शन हमने चूज करा नहीं कि करे तो करे क्या, लेकिन फिलहाल हमारी प्यारी राज दुलारी स्कॉर्पियो जो है गाइस वो अंकल जी के पास है। और आज उसकी मॉडिफिकेशन फाइनली, जो आप इन दिनों से कह रहे थे कि भाई इसमें कुछ चेंज करो, ये गोल्ड रैपिंग अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा, तो आज हमने फाइनली सारा काम करवा दिया है। करवा दिया मतलब करवाएंगे गाइस, मतलब करवाने वाला काम जो हमने करवाया वो सीन ये है कि हमने जो जो चीज़ें हमें मंगवानी थी, जो जो चीज़ें हमें स्कॉर्पियो में लगवानी थी वो सब आ चुका है। गाड़ी लेके जानी है, काम करवाना है और फिर आपको गाड़ी दिखाऊँ, आप भी बोलो क्या सीन है रे गुरु। बाकी मेरी गाड़ी फिलहाल अभी कलुआ लेके गया, कलुआ कहाँ लेके गया, ऑफिस लेके गया भाई साहब मेरी गाड़ी, क्या गाड़ी है रे, मगर ले ले भाई ले लो काफ़ी जल्दी। हमारे कलुए अंकल भी अपनी न्यू ब्रांड न्यू गड्डी निकलवाने वाले, देखते कौन सी निकलवाएगा। अब मेरी गाड़ी तो ले जा, मुझे यहीं से किसी के एक बंदे की बाइक लेके जाना पड़ रहा है। ओ हसीना जुल्फो वाली जाने जहाँ ढूंढती है किसके निशा किसका। अरे ओ बेटा तेरी एक्सटेसी मारूंगा इतना पता नहीं कितना। चले यहाँ से, मैं तो गाना गा रहा हूँ, इसको लग रहा कि मैं इसके लिए गा रहा हूँ। चल भग जाए आज, तेरे लिए ही नहीं गाऊंगा आई बड़ी। तो निकलेंगे, मैंने एक की बाइक ले ली जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस। तो ये रही वो प्यारी बाइक। भाई तू किस चीज के अकड़ में खड़ा है ये बता दे, है पिलपिले चश्मे वाले, अपना नाम तो बता। अरे अरे सुन तो ले, अरे डर गए इतने में, अरे इतने में डर जाते हैं। और भाई क्या हालत छोड़े, चलो लेट्स गो गाइस। तो ये रही एनएस, इसे लेके जा रहा हूँ मैं कलू अंकल जी के पास। अब क्या करें भाई, इसी में जाना पड़ेगा। ओली और सैम को मैंने भेज दिया जिग्गू के पास, भाई देखो एक बार उसे। और रही बात टप्पू का फोन आ रहा था, भाई साहब क्या कर रहा है, मेरा भी एडमिशन करा दे कॉलेज में। मैंने कहा रुक जा तू, तन्ने चैन नहीं है क्या, तो उसका एडमिशन करवाएंगे। मैंने कहा पूरी टप्पू से डाल दे तेरी, फिर करवाएंगे यार सबका एक साथ करवा देंगे, अब एक एक का थोड़ी करवा के घूमे मिलेंगे क्यों। अरे हाँ जरा पप्पी ले ले आ जाए इस बाइक की, शर्म शर्म है नहीं कहती, छाती चोरी करके आ जाएंगे बाइक के। यार तू फोटो खींच ले, हाँ ना फोटो खींचेगा ना खींच बेटा, टाट में टायर घुमा दूंगा ना सारे बाहर निकल जाएंगे तेरे, लग जाए हट दे। उस हसीना थी तेरे को नहीं कह रहा। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अपन अपने प्यारे कलो अंकल जी के घर पे और बनवाते हैं उसे भी बदमाशी। अरे क्यों आ रही गाड़ी, अबे बाइक देखी नहीं क्या, के जरूर आ जाना तुम मटक मटक के। ओ कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल ले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल ले। अरे डर गई क्या, अरे सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है, पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है, पास करा तू फोन घुमा दू, तेरी प्रिंसिपल भी बेबी यो यो की तेरा तल से छोड़ के आऊंगा यार मैं, छोड़ के आ जा कुछ निकल। अरे बैक सीट भी है वैसे, पर तेरे को ऐसे घूमने में मजा आता, कोई दिक्कत नहीं। अरे 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 पगला गई, ऐसे ऐसे धक्के नहीं देते यार, चल तेरी ऐसे ही बात भग जाए ऐसे, तेरे को ही नहीं घुमाऊंगा, तेरे लिए तो तेल डलवाया इस बाइक में हमने। चलो लेट्स गो गाइस, निकल रहे हम सीधा कलुए के पास। ओ ये तो फाइनली गाइस
तेरी भैंस की आंख अंटी, बगाए भी तू, ठोके भी तू और गाली भी तू ही दे यार। हर चीजें आप थोड़ी करोगे, एक बार बाहर तो आ जाओ। देखो हर चीज करने का, देखो आपको चलो एक दो चीजें कर लो माना, हर चीजें आप करो, ऐसा होने थोड़ी दूंगा मैं। जिम डिसेंट हूँ यार, भूल को जाती हो पगली है। अरे मेरी माता जी का चश्मा ले रही है, तुम कभी मेरी माता जी की मित्र हो भग जाए तो मैं तो भाग रहा हूँ भाई साहब, पकड़वाएगी मेरे को माता जी को, बता देगी ये तो बदमाश हो रहा सारा छोरा। ओ भागो 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 भागो, ओहो इसका छोरा भी है, तेरी माँ को नहीं पीट सकता बेटा, तुझे तो पीटू रुक तेरी ऐसे सी। इधर आ तू हड्डन सी शक्ल के, समझा ले अपनी माता जी को, ये ऐसी गाली नहीं देते रोड पे, ठीक है, बन रही हो कती बदमाश तेरी ऐसे सी, ठीक है आगे समझा के घूमियो। आ गया तू, ओ लड़के को पीट दिया मैंने माँ, अरे 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 रुक जानती अपने लल्ले को तो ले जा, ओ मेरी छाती पे चढ़ा दी भूतनी की, तेरे तेरी तो फूटे कलम हुए। ओ नो ये क्या हुआ भाई, ये चलो कोई नहीं निकल रहा हूँ मैं तो, ये अपने लल्ले को तो छोड़ गया, चलो क्या ही बोले अब हमें, क्या छोड़गी छोड़गी, ये रही मेरी अरे भाई मैंने अपनी स्कॉर्पियो तो चमचमाती दी थी और इसने गू बना दी, गुड़ गोबर, ये क्या कर दिया सर, टाड़ देखो कैसे कैसे कर दिया भाई, चीची इस कलवे को भाई साहब क्या करूँ, डंडे से मारूँ कैसे मारूँ समझ नहीं आ रहा, पर चलो कोई नहीं आज तो कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि गाड़ी वैसी हमारी पूरी चेंज होनी है गाइस, तो रैपिंग रूपिंग हटेगी तो सब हट जाएगा, आज बख्स देता हूँ इसे, पैसे तो निकलवाऊंगा इससे, रुक बैस किया कलवे। ओ नो, अरे कैसे गिर रहा जिमी, ओ तू क्या कर रहा है, अरे यार जिमी मैं तो बस यूं यहां पे थिंकिंग कर रहा था कुछ, थिंकिंग आजा ले अभी थिंकिंग कर ले, ज्यादा बोलने लग गया नोटी हो रहा करती, थिंकिंग कराऊंगा अंकल जी आजा, भूतनी के ऊपर क्या कर रखा है गाड़ी, थिंकिंग वो कर रहा है गाड़ी गंदी कर दी, अब जिमी को क्या कहूंगा, अरे रे रे नहीं नहीं वो तो मेरी छोटी मोटी बात है जिमी, गाड़ी गंदी कुकर कर दी था ना अंकल, अरे यार वो मीटिंग के तेरे को पता ही, ऑफिस के कामों से जाना पड़ा मेरे को, बाहर से बदमाश तो गाड़ी गंदी करे, गंदी करी है चल ठीक है, गंदी हो जाती है गाड़ी तो धोएगा कौन है, अरे धो लियो यार जी, मैं वैसे भी तू कह ही रहा था कुछ करवाऊंगा उसका तो करवा लेना, कुछ तो उसका तो करवाऊंगा बेटा, तेरा भी करा दूंगा कुछ, अरे नहीं यार जिमी मैं तो आराम से यहाँ पे सोचने दे मुझे क्या क्या करवा सकता हूँ मैं, $100-200 दे दे मेरे को फटाफट, गाड़ी धुलवानी है, हाँ $15 में वो गाड़ी वॉश होती है, $100-200 दे दूँ, हाँ तो ऐसे ले जाने का भी खर्चा, अच्छा भाई साहब पेट्रोल तो मैंने भरवाया उसमें, ज्यादा बोल रहा, अरे पगले सूट गीला कर दिया मेरा, ओ नो ज्यादा बोले नहीं यार जिमी, अरे पगले रहने दे मेरी गर्दन छोड़, अरे नहीं गर्दन छोड़ दूं ये मैं करने नहीं दूंगा, ओ पगले, अरे यार जिमी मेरे को बाहर आने दे तू, रुक ले यार तू बाहर आ जा अंकल, ले यार थैंक्स डॉग, अरे रे पगले मेरे को सोचने दे यार जिमी, परेशान मत कर, क्या सोचोगे, चलो सोचो 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 क्या सोचोगे आप है, अरे मैं सोच रहा हूँ यार जिमी आजा ऊपर तो आ पहले तू, मैं सोच रहा हूँ यार जिमी जो ये दीवारें है ना, हाँ। और ये घर का काम थोड़ा इंटीरियर वगैरह चेंज किया जाए यार, मैं बोर सा हो गया मैं देख देख के, ज्यादा पैसा आ रहा है क्या, अब यार अभी आज मीटिंग में गया था ना ऑफिस में, वहाँ पे वो थोड़ा डन हो गई है इसलिए सोच रहा था, कलवा अमीर हो रहा है, वो काम छोड़ो पहले मेरा काम कराने का है, गाड़ी ठीक मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, चलो हाँ तो कार्ड ले आया ना तू माइकल का, माइकल का क्यों लाऊंगा, अपने पास भी पैसा होता ठीक है, अपने पिताजी के पैसे से नहीं जी रहा मैं, अच्छा अभी देखूंगा वो तो कौन देगा फिर वहाँ पे, अरे हाँ यार पिताजी का है बस, डायलॉग तो मारने दिया करो, चल चले फिर कहाँ पे करवाएगा काम, अब अंकल जी देखो बात सीन ये है, देखो गोकुल धाम में नए मेंबर आ चुके हैं, अच्छा अच्छा अब वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा गाइस कौन आया कौन नहीं, वो आप सजेस्ट करो कमेंट में कि कौन आया है कौन नहीं, ठीक है अंकल जी, बाकी जिमी मैं तो एक बात बोलूं तुझे, हाँ कि तू तो नई वाली स्कॉर्पियो ही खरीद ले यार, पैसा पैसा नहीं है मेरे पास, अभी तो कह रहा था बहुत पैसा है मेरे पास, मजाक कर रहा था, चलो ना अंकल यार चले यार, चलो चलते हैं यार एक बार मैं फोन ले आऊं अंदर से, हाँ फोन ले आ और देखो भाई साहब इस कलवे का मोर तो बनाना पड़ेगा, लेट्स गो गाइस करते हैं अपनी स्कॉर्पियो को बना देंगे नई दुल्हन, बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो आराम से चालू हो जाती है सब चीजें अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यार इसका जो ये हमने वो करवा रखी ना रैपिंग रूपिंग वो मेरे को हटवानी है भाई साहब, चल ड्राइवर चल चल ड्राइवर चल बेटा यहीं से उतर के मारूंगा, अरे चल यार जी मैं पीछे ना कमर में थोड़ा दर्द है लेटूंगा भाई, टायरों की भी ऐसी तैसी मार दी आपने तो यार, अरे कोई नहीं करवा लेंगे यार क्यों दिक्कत ले रहा है, कोई नहीं अब मैं देखो अंकल जी बहुत चेंजेस करवाने वाला हूं इसमें, अरे मैं इसमें क्या करवाना, मैं तो अभी भी कह रहा नहीं ले ले, नहीं अभी कहां ले लूं, अरे लॉन्च होने वाली है बस जी मैं सबसे पहले ले आ तू, अच्छा सबसे पहले ले आऊंगा मैं गाइस, नहीं फोन नहीं स्कॉर्पियो में लेनी चाहिए नहीं ये बताओ यार, पहले तो इसका काम तो होएगा ही होगा अंकल, बिल्कुल भाई सब नई वाली मैं सोच रहा हूं हम दोनों पार्टनरशिप में खरीद लेते हैं, बड़ा अमीर हो रहा है,
अरे कह तो रहा हूँ, एक तो घर का काम और एक गाड़ी लेनी है। अब जिमी मेरे को तू फॉर्च्यूनर तो देता नहीं। अरे यार फॉर्च्यूनर यार गई हुई है अंकल, वो ले गया तेरा जिसकी थी भाई। अरे लेके आ जाएगा ना हमारे बाबूराव अंकल, जो दिक्कत ले रहा है। बिल्कुल भाई साहब, वो गए हुए लंबे टूर पे। अरे क्या करे अंकल जी, कोई ना आ जाएगा बाबूराव यार। अपनी कार में लड़का ले गया, नहीं तो थार में घूमते हम। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से चला ले भाई साहब। अरे आंटी बदमाश है ये यार। अंकल ये क्या कर, देखो सीन बताओ मैं क्या क्या करवाऊंगा पहले। हाँ हाँ चल अभी यही बता दे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ शीशा लगाऊंगा, जैसे फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर में नहीं लगते। अच्छा वो वाला, मतलब तू कौन सा मंत्री है लेकिन। अरे तो चुप रहने, अपनी सरकार चलना है अंकल। अच्छा भाई साहब, यहाँ झंडा लगा दूंगा अंकल। कौन सा झंडा लगवा रहा है? कतई मस्त वाला। अच्छा भाई साहब झंडा, और यहाँ पे चेंज कर दूंगा, उरण से लगवा दूंगा बड्डे वाले। अच्छा स्कॉर्पियो लिखा रहेगा फिर हॉर्न लगेंगे। वो लेट ही यार, वहाँ तो अभी जी मैं बता रहा हूँ, वो तो भाई वहाँ चेंज भी हो सकता है अंकल जी, प्लान है मेरा। अच्छा भाई साहब चल फिर वहीं चल के देखते हैं ना। चलो वहीं चल के दिखाएंगे गाइस जब हम काम क्या क्या करवा रहे हैं। लेके चलना भाई अपनी गाड़ी। बिल्कुल भाई, कलर कौन सा करवाएगा जिमी? कलर यार इसमें कुछ ऐसा कराएंगे जो कि अभी तक हमने इस गाड़ी में नहीं करवाया है, क्योंकि देखो गोल्ड रैपिंग से तो मैं बोर हो गया हूं काफी ज्यादा। मैं तो कह रहा जिमी पीला करा ले। पीला यार मैं देखो मैं नीला सोच रहा हूं। नीला भी देख लेते हैं जिमी, वहीं देखेंगे चल के। तो गाइस मैं नीला सोच रहा हूं, मैं पीला सोच रहा हूं, मैं ऑरेंज तो नहीं सोचा, पर लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। कोई भी कलर होगा वो ब्राइट कलर ही लुक करवाऊंगा। तो लेट्स अंकल जी तो रिपेयर करा पहले सबसे पहले तो इसे। अरे यार ये $58 मैं दे रहा हूँ, बाकी नहीं दूंगा बाकी। हाँ ठीक है ना, चल ले भाई करवा दी तेरी स्कॉर्पियो। कच्ची पर इस कच्ची का चमक मेरे को अब हटानी है। तो सबसे पहले मैं जिमी क्या कराऊं तेरा ये बता। ये जो सारी चीज हटी है तो इसका आर्मर वगैरह सब बता, इतने जोर से कुछ नहीं करवा तो सब 100 करवा दो अंकल। ओके चल आर्मर मैं फुल करा रहा हूँ फिर। ब्रेक घिस चुके, ब्रेक भी चेंज करा के फुल करवाओ। चल रेस वाले करवा दिए ब्रेक भी। इंजन भी बता जू जू करता तेरे हाथ में दे दी थी जब से, ये भी चेंज कराओ। अच्छा तो लेवल 4 का करा रहा हूं। हां इस गंदे आदमी का हाथ में दे दो ना, चीज ऐसी होती। रुक जा तू हरामी, खुद इतने दिनों से मौज ले रहा है इसकी, ओरन देख ले अपने हिसाब से। तो ये हफ्ती जैसे ट्रक वाला ओरन करवा दिया अंकल। हां बदमाशी चल रही तेरी बिल्कुल है। नीली लाइट तो नहीं करानी क्योंकि मैं सोच रहा हूं ट्रिप पे जाऊंगा स्कॉर्पियो में। अच्छा भाई साहब चल नियॉन किट लगवानी नीचे। नियॉन किट का सौदा यार अंकल ये बाद में सोचेंगे हम, क्योंकि अभी कलर भी देखना है ना। प्लेट तो यही रहने देता हूं जिमी। पर फिलहाल गाइस देखो सीन कुछ ऐसा है कि जितनी भी एक्सेसरीज जो अभी लगेगी वो सब काम होने के बाद ही लगेगी, पहले हम कलर को सिलेक्ट कर ले उसके बाद ही। तो सबसे पहले तो अंकल जी हमारा कलर भाई मैं तो कह रहा जिमी कोई मस्त सा करा ले। मस्त ही कराएंगे अंकल जी, खुद कलर का विश्वास ही नहीं करते। देख ले मैं तो कह रहा ब्लू करवा ले। अल्ट्रा ब्लू हमारा पहला जो चॉइस है। ठीक है अंकल अल्ट्रा ब्लू देख लिया, कैसे लग रही है गाड़ी? मस्त लग रही है। ठीक बढ़िया लग रही जिमी। अल्ट्रा ब्लू के बाद हमने लाइम ग्रीन भी सोची है अंकल, पर नहीं यार लाइम ग्रीन में तो जीप से हो जाएगी जिमी। हां तो लाइम ग्रीन कट, अल्ट्रा ब्लू येलो में भी काफी मस्त लग रही है अंकल। येलो करवा सकते हैं जिमी। ये देखो ना ये वाला और ये वाला दोनों बढ़िया जिमी, तू देख ले। ये यार सारे बढ़िया लग रहे हैं इसमें भाई, मस्त ही है। स्कॉर्पियो तो है एक नंबर गाड़ी। पिलपिली येलो नहीं, हम ये वाली करा देंगे अंकल। बिल्कुल येलो देख ले और ब्लैक और व्हाइट भी देख ले जी मैं एक बार। तो गाइस हमने ये वाला कलर चूज कर लिया है क्योंकि इसमें अंकल जी दो कलर आ गए हमारे। कौन से? येलो और ऑरेंज दोनों लुक आ रहा है देखो। बढ़िया लग रही है वैसे जी मैं इसमें भी। तो येलो ओके। सस्पेंशन का काम इसका यार करती क्या अंकल, झटर झटर करती थोड़ी गाड़ी। नहीं ठीक थी जी मैं, बस ऑफरोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं आई ना, बस फिर सस्पेंशन का काम तो ठीक ही है गाइस, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी। वेस तो जिमी जो कस्टम मंगाए वो वाले लगवाएंगे, वही लगाएंगे, बाकी फिलहाल के लिए तो मैंने ये वाला चिपकवा देता हूं अंकल जी। एक चीज देखी थी मैंने यार। कौन सी आएगी वो जमी तो? अरे कौन सी देखिए तो बता। ये देख रहे तारे, ये वाले करवाने हैं? मैं ये नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा तो दूसरे, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये तो ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, देखो ऐसे में भी तो लुक देख रहा क्या होगी। ये बिल्कुल बिल्कुल, पर जिमी कस्टम वालों की तो अलग ही बात है। हम वही करवाएंगे, पर हमारी फिल्में हटवा दी गाइस हमने, जो भी इतने इसमें लगवा रखे थे काली शीशे करवा रखे थे हमने, पर अभी दोबारा करवा देंगे। तो अब अंकल जी इनको गाड़ी देते हैं, अभी थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे, एक्सेसरीज वगैरह लगेगी है नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल। तो वेट करते गाइस और क्या। तो गाइस काफी कुछ सोचने के बाद हमने येलो कलर भी चेंज करवा दिया। अब आप सोच रहे हो कौन सा कलर करवा दिया और क्या क्या सीन है, तो मैं आपको बता दूं कलर हमने करवा दिया है अल्ट्रा ब्लू, टायर्स भी हमने चेंज करवा दिए, और एक चीज जो अभी हम लगवा टोली पर चेंज करवा रहे हैं आ गई है हॉर्न से, क्योंकि ये उतने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे हम दोबारा से स्कॉर्पियो वाली ग्रिल लगवाने वाले हैं, क्यों अंकल? बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। और ये देखो नो फार्मर नो फूड का झंडा भी लगवा दिया भाई साहब हमने, और यूं चल रही है हमारी गाड़ी। जिम्मी नीचे लाइटें भी लगा दी, वो तो बता। अरे हाँ हाँ, नीचे देखो टायरों पे भी गाइस जो लाइट्स लगती है वो भी लगवा दिए हमने, एक नंबर का सौदा हो चुका है। बस ये ग्रिल जो हमने मतलब अंदर जो स्पीकर लगवाए थे वो हट जाएंगे और दोबारा यहाँ पे स्कॉर्पियो लिख देंगे, बस उसी चीज का वेट है, फिर निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी तो निकाल रहे हैं गाइस, अपनी गाड़ी पीछे आप देख ही सकते हो कलवे। ओ भाई साहब आराम आराम से निकालियो। तो ट्रिप के लिए मैंने इसमें टायर भी लगवा दिए अंकल। बिल्कुल भाई साहब, ट्रिप तो ऐसी लग जाएगी ना किसी ने सोची नहीं होगी। तो गाइस ये रही हमारी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो जो कि हमने पूरी मॉडिफिकेशन करवा दी है, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें टायर और क्यों नहीं करवाया जो बाहर की साइड और चौड़े, क्योंकि अंकल जी ट्रिप में हमें वो दिक्कत दे सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये वो है जो पत्थरों पे चढ़ते नहीं है जिमी टायर, बिल्कुल आसान से ऑफरोडिंग टायर्स हमने इसमें लगवा दिए हैं गाइस। ये अंकल भाई साहब एक नंबर लग रही जिमी। अरे एक नंबर वाली चीजें ही कराते हैं। अब रात का दृश्य देखने लायक होगा इसका, और ये देखो इस गाड़ी को मैं यूं भगा दूं हर कहां कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली हमारे टायरों को। ये देख लो आराम से ये हमारी स्कॉर्पियो। ये भाई मजा आ गया अंकल जी। बाकी जिमी हम इस झंडे को हटा भी सकते हैं अगर तू चाहे तो। हां तो यार नहीं यार, अभी मैंने लगवाया इसीलिए क्योंकि ये तो सच्ची बात है ना। बिल्कुल भाई साहब वो तो है, तो इसीलिए मैंने ये लगवा रखा है। बाकी देखते हैं भाई ट्रिप में जहीं जाएंगे तो हटा देंगे, क्योंकि अभी गाड़ी हमारी है रैली में निकलने वाली है अंकल। बिल्कुल भाई साहब, और ये देखना साइड में मिरर भी तो लगवाया है। हाँ वो मिरर जैसे कि मैंने आपको कहा था गाइस वो तो दिखाऊंगा, लेकिन इंटीरियर देखो अंकल जी। भाई साहब यार कितनी चीजें मॉडिफाई करवा दी, देखियो ये लो। मस्त गाने सुनूंगा अब तो इसमें एलईडी में। मस्त देखिए, देख रहे हैं इधर विंडो किचक किचक कर दूंगा। मिरर भी अपने हिसाब से फोल्डेबल वाले कर दिए मैंने, इस साइड से कंट्रोल भी हो जाएंगे अब, पहले इनका हाथ नहीं मारना बाहर करके। बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्च्यूनर वाला मिरर भी तो लगवा दिया। ये रहा गाइस हमारा मिरर, देख लो आप कितना प्यारा लग रहा है रे अंकल। बिल्कुल भाई साहब, बाकी जिमी तूने ब्लू लाइट नहीं करवाई, वो भी करवानी चाहिए थी। अरे ब्लू लाइट यार अंकल जी ट्रिप के लिए नहीं कराई, वो कहीं जाऊंगा दिक्कत कर पड़ जाती ब्लू लाइट से। वो तो है यार जिमी साहब, बात तो सही है तेरी, तो इसीलिए नहीं करवाई। बाकी इन टायरों की वजह से ना काफी हमें ये हो जाएगा, कहीं पथरीले इलाके में भी हां भाई टायर ना फट जाए इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सोचे समझे गाड़ी यूं निकाल दो यूं ही आराम से। और इसका वीआईपी नंबर कब आ रहा फिर जिमी? आएगा वीआईपी नंबर भी आएगा गाइस, इसीलिए तो प्लेट खाली छोड़ रखी। अरे ना रे अंधे, मोटे टायर नहीं अभी। अरे तो क्या हो गया, मोटे नहीं है तो खोटे टायर तो है। ओ आराम से भाई साहब, स्क्रैच हो जाएगा नई गाड़ी पे। ओ बात तो सही है भाई अंकल की, चलो निकाल लेते हैं गाड़ी यहाँ से। ये ले अंकल। ओ ना मानना मतलब तू है। अरे यूं चढ़ा दिया करू मैं गाड़ी। नहीं नहीं नहीं, अरे ट्रेन आ गई। अरे अंकल वाह भाई साहब वाह, कॉमेडी होगी थी अभी तो हो जाता काम। ये अभी तो स्कॉर्पियो के साथ साथ हम भी जाते। कैसी लग रही है हमारी स्कॉर्पियो? बाहर लेके गए यार, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और ब्लैक हमने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ब्लैक लेके तो सभी घूमते हैं, व्हाइट लेके भी सभी घूमते हैं, इसलिए हमने थोड़ा अलग करा। ये देखो लग नहीं रही है प्यारी गाड़ी। आराम से आपको इस प्यारी स्कॉर्पियो का नाइट लुक। तो
तो गाइस रात का माहौल है, हम खड़े हैं अपनी स्कॉर्पियो लेके जिसका हमने पूरा लुक ही चेंज कर दिया है अंकल। बिल्कुल भाई साहब, देख रहा टायरों में लाइट, जो मेरा आइडिया था जिमी। देख रहे हो गाइस टायरों में जो लाइट हमने लगा रखी है, ये कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारा इंडिकेटर वगैरह जल रहे और आगे की लाइट देख रहे हो। डीआरएल देखो अंकल जी, इसके डीआरएल तो छोड़, फोग लैंप देख हरामी। अरे फोग लैंप भी तो देख लो, वहां पे भी तो देखो सिस्टम। ये लो, ओ चोंदा मार दिया कति। ये लो, अरे नहीं नहीं नहीं, ये लो। और रही बात पीछे की, तो ये देख लो गाइस पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ये लो अंकल देख रहा है। ओ भाई साहब ये क्या करा दिए, तो अभी देखा मैंने एलईडी इंडिकेटर में लाइट हटवा के एलईडी वाली लगवा दी। बिल्कुल भाई साहब एक नंबर लग रही है लाइट में, काफी ज्यादा चेंजेस है। ये देखो गाइस हमारी स्कॉर्पियो उतर रही है नीचे की साइड, क्या बेहतरीन लग रही है। अरे बाबा, ओ हो हो, कति कातिला ना मार ही डालेगी तोरे नैना। यहां पे हमने अब्दुल मियां को ओमनी दिलाई थी अंकल। बिल्कुल भाई साहब इधर खड़े हैं वो अंकल, अब पिटेंगे तेरे को। मेरे को भी पिटेंगे भाई। ओ उस दिन तूने पंगे कर दिए थे यहां। चुप सब नहीं बताया करते अंकल जी। ये ले, ओ आराम से आराम से। भाई रोशनी देख रहा कितनी कर दी, पर तो मैं बिना इसके चलाऊंगा। ये देखो कितनी बेहतरीन, ये ओ मस्त लग रही जी मैं एक नंबर। अरे गाड़ी मस्त नहीं लगेगी अंकल जी, हमने मॉडिफिकेशन कराई है यार। पर काफी दिनों बाद नया लुक आया जी। वही तो, अभी हमारी ये गोल्ड में ही घूमती जा रही थी, अगर वरना एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना अंकल तो अभी भी नहीं होती, इतना मेरे को पता है मेरा। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वरना के बारे में भी सोचना पड़ेगा गाइस कि क्या करना है, उसका क्या सीन करें क्या नहीं। लेट्स सी, बाकी हमारी ये गॉर्जियस गाड़ी है आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। इसका लुक इतना एनहांस कर दिया ना हमने, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। आजा आजा तुम भूत देखे, देख रहे हो अंकल भाई साहब बदमाशी हो रही है। ले भाई ले यार ले, मैं तो नीचे मोड़ता नहीं, बस मेरी गाड़ी प्यारी थी तो मैंने कहा चल मोड़ लेता हूं अंकल। बिल्कुल बिल्कुल, आज देखो आप दिखाऊंगा दबा ले। देख रहा अंकल, ओ आराम आराम से भाई साहब। अरे आराम से यार, आराम से चलने वाली गाड़ी है अंकल, स्कॉर्पियो है। अरे तो अभी अभी काम करा है इसलिए। देख रही हूं भगा देंगे यूं भाई, मस्त लग रही। पीछे नीचे भी लाइट जल रही जी, ये तो मैंने अब नोटिस किया। नीचे तो जलेगी, क्यों नहीं जलेगी। और अभी पक्के रास्ते में लेके जाऊंगा, टायर स्मोक ऐसा निकलेगा ना अंकल जी, कितने सोची नहीं होगी। अच्छा भाई साहब, और क्या कभी नीला कते ऐसा नीला करवा दिया, ऐसा नीला ऐसा कभी डार्क वाला। ओ ये अरे भाई हटना, बदमाश की गाड़ी आ रही है, जिम बदमाश की। तो भाई ये देखो अपना इस गाड़ी का सीन मस्त है अंकल जी, अब जा रहा मैं घूमने। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा तो बता। चलूंगा मैं भी। क्या फ्री में तो कहीं ले जाओ इसने ससुर को। हाँ हराम भी पैसे तो तू देता ना, फिर ट्रिप पे बोलेगा आधे पैसे दे दो अंकल जी। चुप चुप चुप, तेल क्यों डलवा दियो, चलाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है, चल ठीक है। आपने तेल का इतना चलाने में क्या दिक्कत है, नींद खराब कर लो थोड़ी सी, क्या दिक्कत है। ले भाई अंकल, अब तेरे को देखने को मिलेगा हमारी प्यारी गाड़ी का स्मोक कैसा है। ठीक ठीक, ये लो गाइस। ओहो पीछे गार्ड बग्गी आ गई, देख रहे अंकल भाई साहब मस्त लग रही जी भी। अरे बरसात के मौसम में, अरे अरे तो फायरिंग कर रहे हैं लोग बदमाश। अरे मेरी गाड़ी चोरी करने चाहते हैं अंकल ये। अरे रे रे रे, भगा ले भगाऊंगा क्यों, बदमाश की गाड़ी ये भागने लग जाए ऐसा हो नहीं सकता अंकल जी। आने दे बनाऊंगा इन्हें, बदमाश कौन सा बन रहा है। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो के लिए इतने ही, तो होप करते आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ कमेंट करके बता देना कि आप सबको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और इस स्कॉर्पियो पे जो पूरी मॉडिफिकेशन हमने करा दी है कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, चंगा फिर अगली।